अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एयर टर्मिनल के विस्तार के बाद अब रेलवे स्टेशन का विकास होना है। तो यहां बता दें कि रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम हैदराबाद की कंपनी करेगी। यह काम दो फेज में होगा। 462.79 करोड़ रुपए की लागत से दो फेज में यह काम होगा। इसके बाद ग्वालियर स्टेशन का नया स्वरूप सामने आएगा, जो किसी भी आधुनिक स्टेशन से कम नहीं होगा। यह स्टेशन किसी एयरपोर्ट की तरह ही लगेगा, पर स्टेशन के वर्तमान ऐतिहासिक भवन को उसी स्वरूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे उसकी प्राचीनता भी नए स्वरूपों में दर्शाती रहे। चर्चा तो यह भी है कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टेशन के विकास कार्य का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी से कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यह चर्चा है। रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम दो चरणों में होगा। इसका कारण रेलवे स्टेशन के कार्यालय व रेलवे क्वार्टर को दो फेज में तोड़ना है। पहले फेज में 87 रेलवे क्वार्टर व 20 कार्यालय तोड़े जाएंगे। इस तरह कुल 107 संपत्तियों को तोड़ा जाएगा। पहले चरण में आरपीएफ थाना, कुली बैरक, आरपीएफ बैरक, रेलवे मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफिस, एसएससी वर्क ऑफिस, ऑफिसर रेस्ट हाउस, सर्वेंट रूम, ऑफिसर रेस्ट हाउस, आरपीएफ डॉग स्क्वाड बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। इनके तोड़ने की कार्यवाही केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा की जाएगी। रेल प्रशासन ने रेलवे कर्मचारियों व अफसरों से सितंबर में ही क्वार्टर खाली करवा लिया है। रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने के लिए 462.79 करोड़ का ठेका हुआ है। दूसरे चरण में 93 क्वार्टर सहित अलग अलग विभागों के कार्यालयों को तोड़कर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम होगा। दूसरे चरण में डिपो स्टोर, एआरटी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रेस्ट हाउस, पंप रूम, एसएससी वर्क्स, रेलवे यूनियन ऑफिस सहित 50 क्वार्टर तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार 2 साल में रेलवे को आधुनिक स्टेशन बनाने का काम पूरा होगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए 4 कार्यालय व 3 आवासीय टावर बनेंगे। कार्यालय 2 मंजिला होगा। कर्मचारियों के रहने के लिए 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें 101 परिवारों के लिए फ्लैट होंगे। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग रहेगी। कार्यालय को बिल्डिंग में जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे मजिस्ट्रेट, कोर्ट, डिप्टी सीई ऑफिस, इलेक्ट्रिक विंग, एमएनडीटी, गेस्ट हाउस व कुछ अन्य कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन में अभी 640 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है। रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने के बाद इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी। वहीं 100 MLD का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। इससे सीवर के पानी को ट्रीटमेंट कर इसे ट्रेनों की धुलाई करने में उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी झांसी मंडल के PRO मनोज कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द KPC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद काम शुरू करेगी। रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने के लिए स्टेशन के भवन व रेलवे क्वार्टर सहित करीब 200 संपत्तियों को तोड़ने की कार्यवाही दो फेज में की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।